वाचक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे अपने पीजी में एडमिशन लेने हैं तो विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने थे, लेकिन लेखपालों की हड़ताल की वजह से मुझे इस प्रक्रिया में बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व लेखपाल 15 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। लेखपालों के प्रदेशव्यापी हड़ताल के कारण हजारों लोगों के जरूरी काम अटके हुए हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसानों को खसरा जारी करना हो या फिर जमीन की पैमाइश का मामला, राजस्व विभाग से जुड़े ज्यादातर काम लेखपाल ही करते हैं। ऐसे में सभी काम ठप पड़े हुए हैं। वहीं लेखपालों का कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारी हड़ताल की वजह से आम जनता को कोई परेशानी हो। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर ले, जिससे हम अपने हड़ताल को वापस ले सकें। आइए जानते हैं लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए, प्रदेश में लेखपाल हड़ताल पे हैं तो क्या क्या काम प्रभावित है? बहुत सारे काम प्रभावित हैं भैया। जैसे जो मोदी जी की योजना है, जो किसानों को जो है मिल रहा है, किसान धन योजना, कौन योजना के नाम से जाना जा रहा है, 2000 रुपए, मतलब जो है 4 किस्त में जी। वो फीडिंग का काम तमाम लेखपाल के जरिए ही था जी। गांव-गांव में वो पेपर कागज आके अपना इकट्ठा करते थे, चेतौनी उतौनी, और किसानों को बनाते थे पात्र उसके जो थे, वो लोग परेशान हैं। इसके अलावा और कौन सी परेशानियां ग्रामीणों को? इसके अलावा मान लीजिए खेतौनी पे बीज लेना था, इस समय बहुत परेशान थे लोग, क्योंकि लेखपाल से ही खेतौनी जो मिलता था उसी खेतौनी पे जो है बीज मिल रहा था बुआई के लिए, जो किसी रचा इकाई उकाई वगैरह है। यह सारी परेशानियां हैं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं टाइम से, जाति नहीं बन पा रहा है, कहें टोटल रिपोर्ट लेखपाल लोग ही लगाते हैं उस पर जी जी। हाँ, तो लेखपालों को जो है अनुपस्थिति के नाते वो ना रिपोर्ट लगा रहे हैं ना टाइम से, वो आय प्रमाण पत्र मिल पा रहा जी जी। यह सारी परेशानियां इधर बहुत ज्यादा झेलने को मिला है। तो इनसे काम का क्या प्रभावित हो रहा है? जैसे लेखपाल हड़ताल पे है तो क्या क्या काम प्रभावित हो रहा है? काम इससे बहुत प्रभावित हो रहा है कि इनका जितना जो है जमीन जायदाद का काम है टोटल लेखपालों के हाथ में, आय जात निवास ये सब इनके हाथ में है जी जी जी। जैसे आप वकील हैं तो रोज पर आते होंगे क्लाइंट आपके पास, तो किस तरह की दिक्कतें हाँ। आ रही हैं? लोगों के आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, रिपोर्टें नहीं लग पा रही है, यही है तो हाँ। परेशान तो आदमी है ही है। कई स्रोतों से पता चला है कि लेखपालों के द्वारा हड़ताल की गई है, इससे हमारे बच्चों को काफ़ी परेशानी आ रही है। जो बच्चे यूजी के हैं, जो आगे पीजी में फॉर्म भरना है, अभी प्रवेश परीक्षाएं होनी हैं, उन लोगों के प्रमाण पत्र जैसे कि ईडब्ल्यूएस या कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये बनने में मुश्किल आ रही है, जिसके वजह से बच्चे काफ़ी परेशान हैं। बच्चों ने बात बताई है और कुछ इसका निदान निकलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। ये बताइए, आप लोग 15 दिन से हड़ताल पे हैं तो आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं? मांगे हमारे संवर्ग में 2 तरह के वेतन दिए जा रहे हैं। एक लेखपाल 16 साल की सेवा पे 4200 का ग्रेड पे लेता है, दूसरा लेखपाल 16 साल की सेवा पे 2800 का ग्रेड पे लेता है। तो ये विसंगति है, वेतन विसंगति है, इसको दूर किया जाए। 2008 से ये वेतन विसंगति है। 3.33 रुपए में दिन भर मोटरसाइकिल चलवाया जाता है, 50 से 100 किलोमीटर के सफर करवाया जाता है आज की परिस्थितियों में। ये बताइए, 3.33 रुपए में साइकिल में हवा भी नहीं भरी जा सकती और हमसे मोटरसाइकिल चलवाया जाता है 100 किलोमीटर। ऐसे 3.33 रुपए हमें स्टेशनरी भत्ता रोज का दिया जाता है, जिसमें कि दुनिया भर की रिपोर्टिंग लगनी होती है, कागज खर्च होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं इसमें कुछ हमारे। आप लोग 15 दिन से हड़ताल पे हैं तो आम जनता के बहुत सारे काम प्रभावित हैं, लोग परेशान हैं, किसानों को दिक्कत हो रही है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, खसरा खतौनी, ये सारा काम कहीं ना कहीं से हड़ताल की वजह से प्रभावित है, तो उसको लेकर के आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमें, अधिकारी हमें सुन लें, हमारी बात करा दें, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करा दें, हमारी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लें एक बार। वो कह देंगे कि नहीं कोई मानी जाएगी, हम भी वापस आ जाएंगे, काम पे लग जाएंगे। हम नहीं चाहते व्यवधान हो हमारे वजह से किसी समस्या। लेकिन सरकार और आपके जो टकराव है, जो मांग है, विरोध प्रदर्शन है, उसके बीच में आम जनता को परेशानी हो रही है, तो ये कहां न्याय संगत है? आम आदमी क्या कसूर है? हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे
कि हमें आकर एक बार सुन लें हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे उच्चाधिकारी हमारी समस्याओं पर गौर कर लें और बता दें, हमें एक महीने में दो महीने में छह महीने में पूरी कर देंगे, हम वापस आ जाएंगे। जो कार्रवाइयां हुई है, सस्पेंशन टर्मिनेशन हुई है, वो समाप्त कर दें, हम आ जाएंगे वापस। सर आप लोग 15 दिन से हड़ताल पे हैं, आम आदमी को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, तो उसके लिए क्या कहना आपको? हम कतई आम आदमी के सेवा के लिए हैं, हम कतई हड़ताल नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, सकारात्मक चीज पर विचार किया जाए। प्रदेश में, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों में, उत्तराखंड में लेखपाल का वेतनमान 2800 है, राजस्थान में 2400 है, मध्य प्रदेश में 3200 है, पंजाब में 3200 है, हमारे वहाँ केवल 2000 है।